पंजाब नेशनल बैंक बिजली की शाखा द्वारा जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पीएनबी बिजली शाखा के मैनेजर नरेश चंदेल ने कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों को बैंक द्वारा शुरू की गई स्कीमों के बारे में बताया। कैंप में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया और बैंक की स्कीमों के बारे में जानकारी प्राप्त की। बिजली शाखा के मैनेजर नरेश चंदेल ने बताया कि आज गांव में जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को बैंक की लाभकारी स्कीमों के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि महिलाओं को रोजगार खोलने के लिए लोन की सुविधा के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। आज की कार्यशाला में हमने इस सभा में गांव की लेडीज को इकट्ठा किया, जिसमें हमने उनको कुछ बैंक की स्कीमों के बारे में बताया। जैसे कुछ लेडीज अपना समूह बना के बैंक से लोन ले सकती हैं, जो कुछ नई एक्टिविटीज करना चाहती हैं, कुछ परचेज करना चाहती है, कोई भैंस लेना चाहती है, कोई छोटी दुकान करना चाहती है, तो बैंक उनको उसमें सपोर्ट करता है। जिसमें अगर कोई बीपीएल है तो वो ब्लॉक ऑफिस है, तो उसमें 7% पे उनको वो कर्ज पड़ेगा। और इसमें हमने बैंक की अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बताया कि इसमें सालाना मात्र 12 रुपए देने से किसी की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर हो जाती है, जिसमें कोई भी इसका फायदा लाभ उठा सकता है। और एक हमने इसमें अपनी शपथ दी कि जिसमें प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ना किसी को रिश्वत देनी ना किसी से रिश्वत लेनी, ईमानदारी से अपना हर कार्य करना। और मैंने ये कहा कि पंजाब नेशनल बैंक मतलब हमेशा, और भी कोई बैंक सरकारी बैंक है, सारे हमेशा सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, ना कोई कभी किसी बैंक वाले को रिश्वत देनी है। कोई आप एलिजिबल है, हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, हमीरपुर है जैसे, वहां हमारी कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई आपसे रिश्वत लेता है।